तो दोस्तों नमस्कार। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक रोटेटिंग रॉड है, ये एक रॉड है, रोटेट होगी, और ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रॉड जो है रोटेट होगी। तो इस पर हमें निकालना है किसी गिवन सेक्शन पे कितना एक्सियल फोर्स जनरेट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एक्सियल लोडिंग का केस हम ले रहे हैं इसे। तो भाई अब कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। इसको हम ऐसे करेंगे, अब देखो जैसे ये रॉड है, तो जब ये रोटेट हो रही होगी तो गिवन सेक्शन एक्स एक्स पे क्या होगा, मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये सेक्शन एक्स एक्स है, तो इस पे जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे, ये इसके बाहर वाला जो पोर्शन है रॉड का, उसके रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा वो इसको खींचेगा बाहर की ओर। तो या तो इस साइड से करते हैं हम, इधर साइड या इस साइड से, इधर साइड कॉन्सेप्ट मतलब हमें किसी एक साइड को लेना है, इधर साइड इज़ द कॉन्सेप्ट। तो अगर इस साइड लेते तो हमें यहाँ पे रिएक्शन निकालनी पड़ती, इस एक्सिस पे कुछ रिएक्शन आ रही होती, तो उतना करने से अच्छा हमने ये वाला ले लिया ताकि शॉर्ट पड़े। अब कैसे पड़ेगा शॉर्ट, देखो ये जो पोर्शन है रॉड का, इसका जो मास होगा वो इसके सेंट्रोइड पे एक्यूमुलेट होगा, सेंटर ऑफ मास कहते हैं इसे, जो कि किसी रॉड का उसके सेंटर पॉइंट पर होता है। तो इस एलिमेंट का हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mr ओमेगा स्क्वायर होता है, तो r जो लेंगे वो एक पार्टिकल के लिए होता है mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ऐसा रॉड आ जाए तो इसके केस में क्या होगा, m तो पूरा हो जाएगा उसका, रो इंटू ए इंटू एल माइनस एक्स, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये देखो इसका आ जाएगा ना। और r जो होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं, लेकिन इस पॉइंट का लेंगे क्योंकि सारा मास जो है वो यहाँ एक्यूमुलेटेड होगा, हम ये मान के चलेंगे इस वाले रॉड का जो ये पोर्शन है। तो r क्या हो गया, x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, इतना आ जाएगा। तो ये हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो रो ए एल माइनस एक्स और l प्लस एक्स बाई टू ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया रो ए एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ये आ गया हमारा एक्सियल फोर्स जो कि किसी गिवन सेक्शन से बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड। तो अब देखो अगला मेथड होगा, सेकेंड मेथड हम देखते हैं। इसमें क्या है, एक्सियल फोर्स जो है, अब हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकालेंगे कैसे। देखो ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस गिवन सेक्शन के बाहर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो ये बाहर वाला पोर्शन जो है उसका सेंट्री फ्यूगल फोर्स हम निकालेंगे, तो स्मॉल स्मॉल पोर्शन का हम निकाल के उन्हें एडअप कर देंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर लेंगे। जैसे ये डी एक्स मैंने मान ली स्ट्रिप, तो इस डी एक्स वाली स्ट्रिप का मास क्या हो जाएगा, रो ए डी एक्स, है ना, रो डेंसिटी ए डी एक्स हो गया वॉल्यूम, तो रो ए डी एक्स हो गया स्मॉल मास डी एम, तो डी एम इंटू आर, आर क्या हो जाएगा, आर किसी इंस्टेंट पे इसका जो मतलब एक्स इस सेक्शन पे, तो एक्स है, अगर ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ होता तो एक्स, तो एक्स वेरी कर रहा है ना किसी गिवन सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें एक्स ही लेना होगा उसे। मान लो ये जो स्मॉल एलिमेंट है यहाँ था होता अगर, तो x डिस्टेंस पे होता, तो x वेरी करेगा x से लेके l तक। वैसे x नहीं लेना चाहिए था मुझे वेरिएबल, कुछ और लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, उससे दिक्कत आएगी नहीं। तो देखो डी एम आर ओमेगा स्क्वायर हम लगाएंगे, डी एम देखो ये मैंने करा इंटीग्रेशन डी एफ सी स्मॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रो ए डी एक्स हो गया स्मॉल मास डी एम, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया डी एफ सी, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो एफ सी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे डी एम, रो ए डी एक्स इंटू आर कितना हो जाएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर, किसी एक गिवन सेक्शन पे जो एक्स है वो आर हो जाएगी। तो अगर सेक्शन चेंज होते रहेगा तो आर भी वेरी करेगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, एक्स से लेके एल तक, मतलब ये सेक्शन की अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हम एक्स, यहाँ पर आर जो ले रहे हैं वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये जो सेक्शन है एलिमेंट हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर एक्स है, शुरुआत हो रहा है, और एलिमेंट जाएगा खिसक खिसक के इस एंड तक, एल तक। तो एलिमेंट की जो रेडियस है एक्स से एल वेरी करेगी, तो ये कहने का मेरा मतलब है डी एम इंटू आर जो है एक्स ले लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर, और जो ये आर है ये एक्स लिया है वेरिएबल मैंने आर के लिए, तो वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, एक्स से लेके एल तक, इस एक्स से लेके एल तक, क्योंकि आर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें लेनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये एलिमेंट जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे खिसक खिसक के चेंज होगा, तो उसकी रेडियस एक्स से वेरी करेगी एल तक, तो ये मैंने रख दी।
तो यहाँ पे वेरिएबल x की जगह मुझे z या कुछ और ले लेना चाहिए था, और dx की जगह dz ले लेना चाहिए था, फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं, लेकिन आप ये कर लेना, कन्वेंशनल तरीका यही होना चाहिए। तो रो ए ओमेगा स्क्वायर x dx x टू l, तो रो ए ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद लिमिट रखने पे। तो एक्सियल लोड ऑन एनी सेक्शन, और ये केस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्योंकि रोटेट कर रही है एक रॉड, तो किसी रॉड की किसी गिवन सेक्शन पे हमें एक्सियल लोड मिल गया रोटेशन की वजह से कितना आएगा, वही यहाँ भी आ रहा था। देखो रो ए बाई टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वहाँ भी यही आ गया, देखो रो ए बाई टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इम्पोर्टेंट वीडियो हो गई ये काफ़ी, तो भाई इसको आप अच्छे से समझ लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो ईजी है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और अगर वो कुछ वैल्यू वगैरह देगा तो यूनिट का ध्यान रखना है, दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। और स्ट्रेस जो है वो तो एरिया से डिवाइड करके मिल जाएगा, एरिया हटा देना, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो भाई इम्पोर्टेंट है ये बहुत, है ना, ये देख लेना आप। धन्यवाद।